इधर भिवानी पहुंची इनेलो की परिवर्तन यात्रा के दौरान इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हरियाणा सरकार पर जुबानी वार किए हैं। जहां अभय चौटाला ने सीएम के जनसंवाद को लेकर निशाना साधा, तो वहीं गठबंधन सरकार को लेकर कहा कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार ने प्रदेश का सत्यानाश कर दिया है। अभय चौटाला ने कहा कि साल 2024 के चुनाव में दोनों पार्टियां ही नजर नहीं आएंगी। इनका पतन शुरू हो गया, अभी जा रहे हैं। जिस तरह की भाषा मुख्यमंत्री बोलता है, जिस तरह से जहर उगलता है, जिस तरह से मुख्यमंत्री लोगों को अपमानित करता है, मुझे लगता नहीं है कि मुख्यमंत्री भी ज्यादा दिन टिक पाएगा। भाजपा के बड़े नेताओं को सोचना पड़ेगा कि ऐसा व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री के पद पर बैठा करके रखा तो तुम्हारा दिवालिया पिट जाएगा सारी जगह। ये कहते हमने बहुत विकास करा दिया, इन्होंने विकास नहीं प्रदेश का सत्यानाश कर दिया। अब की बार लोग इनको बहुत बुरी तरह से सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। जहां इनकी रांद काटेंगे बीजेपी वालों की, वहां जेजेपी को सबसे बड़ा दोषी मानते हैं कि बीजेपी को दोबारा सत्ता में लाने वाले जेजेपी वाले हैं। इसलिए जिन लोगों ने जेजेपी के पक्ष में वोट डाला था, आज वो सबसे ज्यादा जेजेपी को इस बात के लिए जिम्मेवार मानता और कोसता है। मुझे लगता नहीं कि ये दोनों ही कहीं खड़े नजर आएंगे इलेक्शन में। इनको पूरी तरह से लोग जो है नकारने का काम करेंगे।